यहाँ पर देखें, ये जो पट्टा आ रहा है ब्लू कलर का, ये 6 कफ की ये जो है एलईडी पैनल है, ये 22 इंच की यानी 22 इंच का एलईडी पैनल है। और ये जो पट्टे आ रहे हैं यहाँ पर देखें, अब इसको हम यहाँ से ऐसे इसे देखें, अब ये प्रॉब्लम क्या था, ये है ABDD, ABDD यहाँ पर दिखा दें, ये है इसका जो है मल्टीमीटर को देखें ध्यान से, ABDD की सप्लाई 10 वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये 5 वोल्ट का पैनल है, यहाँ पे 12 वोल्ट होना चाहिए, तो हम इसे यहाँ पर बढ़ा देते हैं, इसे 12 वोल्ट कर देते हैं। अब ये 12 वोल्ट, अलेवन पॉइंट एट वोल्ट हुआ, थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये 12 वोल्ट यहाँ पर ध्यान दें, ऐसे मल्टीमीटर पे 12.3 वोल्ट, और इसके बगल में जो है ये BGL, अरे सॉरी BCOM की सप्लाई है 5.2 वोल्ट। अभी ये इसका ABDD सप्लाई जो है 14.6 वोल्ट है, और ये BGL की सप्लाई है -4.96 वोल्ट। अब यहाँ पे हम इसे ऑन करते हैं और इस पर आपको वीडियो दिखाते हैं। अभी आपके इस पे जो पिक्चर आ रही है उसकी क्वालिटी भी इसी से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वोल्टेज कम होने से क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी तक आपने किसी वोल्टेज का मिसिंग होने पे आपने प्रॉब्लम देखा था, लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखा दें, 1 मिनट, इसे हम वीडियो मोड पे कर लेते हैं USB, और इसके बाद यहाँ ऐसे आ जाएंगे, और ये जो है अभी जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे देखें ध्यान से, इसे अगर इस कंडीशन में यहाँ पे हम BCOM के वोल्टेज को कम या अधिक करते हैं तो इसके इफेक्ट देखिए, जैसे व्हाइट लेवल अगर यहाँ पे ABDD कम करते हैं तो देखिए ABDD को कम करने से क्या हो रहा है, ध्यान दें, यही प्रीसेट है, अब इस कंडीशन में देखिए ABDD कम वोल्टेज बन रहा है और पिक्चर की ये क्वालिटी है, और यहाँ पे देखें तो ये ब्लैक है, यहाँ भी पिक्चर आ रहा है, यहाँ पे दोनों जगह पे यानी 2 कफ है, 1 और 2, 2 कफ यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे हैं, टोटल 6 कफ है, जो कि जैसे 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 2 कफ यहाँ पे बीच में नहीं काम कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्यों, यहाँ पर देखेंगे हमने ABDD वोल्टेज को कम किया, और कम करने के बाद ABDD वोल्टेज 9.16 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसको हम बढ़ा देते हैं वोल्टेज, अब इसे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो व्हाइट लेवल बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर पे 11.98 यानी 12 वोल्ट हो गया समझ लिए। अब इसका जो BCOM हम कम करते हैं, BCOM इस समय यहाँ पर दिखा दें,
बीकॉम की सप्लाई 5 वोल्ट टोटल है और इस बीकॉम की सप्लाई को हम 6 वोल्ट यानी बीकॉम की वोल्टेज को बढ़ा दिए तो वाइट लेवल यहाँ पे बढ़ गया। अब इसी बीकॉम की सप्लाई को हम कम करते हैं, फोर पॉइंट सेवन यानी काला आ गया पिक्चर। तो बढ़ाने पे ये वाइट लेवल बढ़ता है और अगर बीकॉम की सप्लाई कम करते हैं तो डार्क लेवल हाई हो जाता है। तो ये बैलेंस में रहना चाहिए यानी एबीडीडी का हाफ वोल्टेज रहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एबीडीडी 12 वोल्ट है यानी 12 वोल्ट है तो उसका हाफ वोल्ट हम यहाँ पे कर देते हैं और मल्टीमीटर से भी दिखा देते हैं 5.5 वोल्ट। थोड़ा सा और इसे बढ़ाते हैं। अब ये जो है 5.67 हुआ है, अभी ज़्यादा हो गया, ये 5.67 भी देखकर इसका मैचिंग करा सकते हैं। इतना हम रहने देते हैं 5.40 और ये हो गया इसका एबीडीटी 11.98। मल्टीमीटर को फिर से देखें, एबीडीटी 12 वोल्ट, बीकॉम 5.41 और ये है बीजीएच सप्लाई 14.6 वोल्ट और यहाँ पे ये BGL की सप्लाई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका। अगर हम यहाँ पे BGH को कम कर देते हैं, जैसे 14.9 है, अरे सॉरी 14 पॉइंट कुछ है, लेकिन हम यहाँ पे BGL की सप्लाई को हम कम करते हैं, बाहर अपोल्ड कर दिए, यहाँ पर देखें ग्यारह पॉइंट, यहाँ पर मल्टीमीटर में देखें 6 यानी 11.68 वोल्ट कर दिए। ये PGH की सप्लाई, अब इसके BGH के सप्लाई को बढ़ाते हैं, फोर्टीन वोल्ट पहुंच गया, ठीक है। अब इसके जो BGL की सप्लाई है उसको हम कम करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखें कितना है, ये -4.9 यानी 5 वोल्ट है। अब इसके अगर BGL की सप्लाई हम कम कर देते हैं, एक मिनट पिक्चर को, थ्री पॉइंट फोर वोल्ट तक गया और पिक्चर चल रहा है। अब इसको जैसे है उतना कर देते हैं, फोर पॉइंट टू,
अब ये 5 वोल्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी बेसिक सप्लाई जो है 5 वोल्ट हमने ट्रेस आउट किया है, और 14 वोल्ट इसका BGL, अरे सॉरी BGH। अब ये अपना ओके पोजीशन में ये वोल्टेज हो गया। अब इससे आपका ये क्लियर हो गया कि कौन सा वोल्टेज अगर कम हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने BCOM और ABDD को कम या अधिक करके दिखाया, जिससे ABDD का सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को देखा कि अगर उसके वोल्टेज को कम करते हैं तो यहाँ पे जो 6 कफ है उसमें से 2 कफ नहीं काम करते, केवल 4 ही काम करते हैं। यानी जैसे जैसे ABDD की वोल्टेज बहुत ही कम रहेगी तो एक किनारे पिक्चर आएगा, या हो सकता है डिस्प्ले, सॉरी वो खड़ा पट्टा, हो सकता है कि वो भी ना आए। अगर बहुत ही ड्रॉप है, अगर आपको इसके वोल्टेज नहीं मालूम है ABDD के, तो ये आपको क्लियर करने होंगे कि 5 वोल्ट के पैनल हैं तो कितने वोल्टेज होने चाहिए, और अगर हमारा 12 वोल्ट के पैनल हैं तो कितने होने चाहिए। तो ये पैनल बूस्टर बहुत ही काम का है जो कि इसमें हमने लगाया है, और इसको हम दिखा दें यहाँ पे। यहाँ पे इसको हमने ऐसे लिटा दिया, यहाँ देखें ध्यान से, ये थोड़ा सा उजाला कर दिए। अब यहाँ पर देखें इसके वोल्टेज को, ये प्रॉप को हटा देते हैं। यहाँ पे हमने जो है इसके BGL और BGH को कट कर दिया है, ठीक है। और अभी हम इसको रिमूव करते हैं, इस IC को। अभी केवल मैंने चेक करने के लिए ये काम किया है, अब इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और यहाँ पे BCOM की सप्लाई को जोड़ने से पहले यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा है, जो कि इस IC से BCOM की सप्लाई यहाँ पे बन रही थी, हमने इसे ओपन कर दिया है, यानी IC के इंटरनल नहीं जा रहा है, ये हमने बाहर से इसके कनेक्शन को यहाँ पे किया है। ऐसे देखें, ये पहला, ये तो हो गया इधर से स्टार्टिंग वाला हो गया BGL, और नेक्स्ट हो गया यहाँ पे BCOM, और फिर ये हो गया इसका थर्ड वाला ABDD जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये दिखा दें BAA, ये BAA जो है इसका ABDD है, और यहाँ पे BCOM है, ठीक। यहाँ पे BCOM लिखा हुआ है, यहाँ दिखा दें, ये BCOM लिखा हुआ है, और इस जगह पे ABCM एक रेजिस्टेंस लगा के। ABDD की सारी सप्लाई एक एक कफ को जा रही है, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5, 1, 6, यानी ये 6 कफ हैं। इस तरीके से आप देखें इसे, टोटल यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 6 कप में ये ABDD की सप्लाई बराबर सब में एक एक पिन में होते हुए, यानी एक एक लाइन जो ट्रैक है एक एक कप में गई है यहाँ पे सब में। इसी को हमने जैसे जैसे बढ़ाया है, तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग वाला ही एक पट्टा आ रहा था, उसके बाद जैसे इस समय ये यहाँ पे 8 वोल्ट था तो ये यहाँ पे काम कर रहा था, उसके बाद 8 से 9 वोल्ट किए तो नेक्स्ट यहाँ पे काम किया, फिर 9 से आगे बढ़ाए फिर ये काम किया, फिर 10 किए ये काम किया, फिर 11 किए तो ये दोनों काम कर गया। यानी 10 वोल्ट से अगर नीचे रहेगा तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले कोई भी स्क्रीन पे शो नहीं होगा। आज यहाँ पर देखें, ये है 22 इंच की LED TV, इसमें प्रॉब्लम था DC to DC, इसी यहाँ पे हमने पैनल बूस्टर का यूज़ किया है, जो कि इसमें 4 सप्लाई हमने जो है पैनल जो बेसिक वोल्टेज होता है यहाँ से दिया है, और 2 सप्लाई इनपुट, और 2 सप्लाई इनपुट में आप मल्टीमीटर को देखें ध्यान से, यहाँ हमने जो है यहाँ पर इसका 3.3 वोल्ट इनपुट दिया है, और यहाँ पर दिखा दें ये BGH की सप्लाई है, BGH का सप्लाई जो है यहाँ पे
ये 14.6 वोल्ट। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है ABDD की सप्लाई 12 वोल्ट, 12.1 वोल्ट। और फिर यहाँ पे BCOM की सप्लाई 5.28 वोल्ट। फिर यहाँ पे BGL की सप्लाई 4.97 वोल्ट। ये 5 वोल्ट का पैनल है और 5 वोल्ट के पैनल में ये इसकी बेसिक सप्लाई है, जो कि इस कंडीशन में ये ओके वोल्टेज है।